सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जम्मू कश्मीर में पनाह ले चुके आतंकवादियों पर भारतीय सेना कहर बनकर टूट रही है। रोजाना सर्च ऑपरेशन चलाकर आतंकवादियों का खात्मा किया जा रहा है। मंगलवार को भी घाटी के कुलगाम जिले में एनकाउंटर हुआ। यहाँ कुलगाम के रेडबन इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में सेना ने दो आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि इस मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हुआ है। वहीं पुलवामा में मुठभेड़ हुई, इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। पुलवामा में मारा गया आतंकी जाकिर मूसा के ग्रुप अंसार उल गजवतुल हिंद का बताया जा रहा है। घाटी में मौजूद आतंकियों का सेना चुन चुन कर खात्मा कर रही है। कश्मीर घाटी में इस साल ऑपरेशन ऑल आउट के तहत 226 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। इससे पिछले साल का भी रिकॉर्ड टूट गया है। 2017 में 213 आतंकवादी ऑपरेशन ऑल आउट में ढेर किए गए थे। गोलियों की आती आवाजें, एनकाउंटर, और यहाँ भी आतंकवादी ढेर किए गए हैं। कुल मिलाकर आज 3 आतंकवादी ढेर हुए हैं। पिछले पांच दिनों में देखा जाए तो ये आंकड़ा 16 है। 16 आतंकवादियों को सेना ने पिछले 5 दिनों में ढेर कर दिया है। इस साल अब तक ऑपरेशन ऑल आउट में 226 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। कुलगाम में आतंकवादियों से मुठभेड़, और आपको बता दें कि यहाँ 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। वहीं पुलवामा में 1 आतंकवादी ढेर हुआ है। कुल मिलाकर 3 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। हालांकि एक जवान भी शहीद हुआ है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं जहाँ पर ऑपरेशन जारी है, एनकाउंटर चल रहा है और लगातार गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं MH1 न्यूज पर। सेना आतंकवादियों पर काल बनकर टूट पड़ी है। चुन चुन कर आतंकवादियों का खात्मा हो रहा है और उस कड़ी में ये जो एनकाउंटर हुआ है उसका वीडियो आप देख रहे हैं। तीन आतंकवादी ढेर किए गए हैं। कुलगाम और पुलवामा में एनकाउंटर हुआ है। हालांकि एक जवान भी शहीद हुआ है। पिछले 5 दिनों के अंदर 16 आतंकवादी ढेर कर दिए हैं सेना ने, और इस साल ऑपरेशन ऑल आउट में यह आंकड़ा 226 पहुंचा है। पिछले साल के 217 के मुकाबले इस साल 226 आतंकवादी अब तक ढेर कर दिए गए हैं। राजेंद्र दुबे हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राजेंद्र, 3 आतंकवादी आज ढेर हुए हैं, हम तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार गोलियां चलने की आवाजें आ रही हैं।
देखिए वरुण, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि कल शाम से, अगर कल रात की देर रात की बात की जाए तो कुलगाम में वहां पर जो कुछ आतंकी हैं वो वहां पर होने की खबर मिली थी। उसके बाद वहां पर जो ऑपरेशन जो है वो वहां पर लॉन्च किया गया था, और आज सुबह वहां पर अगर कहा जाए तो सुबह दो जगह के ऊपर जो ऑपरेशन है वो वहां पर शुरू हुआ। एक तरफ जो कुलगाम का इलाका था, वहां दूसरी तरफ जो त्राल का इलाका था वहां पर जो ऑपरेशन है वहां पर शुरू हुआ। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी जो है वो वहां पर मिली है। तीन आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता जो है वो वहां पर मिली है। दो आतंकी को कुलगाम में मारा गया और एक आतंकी को त्राल के इलाके में वहां पर मारा गया। परंतु इसी पूरी दो मुठभेड़ के अंदर कहा जाए तो कुलगाम में एक जो जवान है वो वहां पर शहीद हुआ है। परंतु अभी भी अगर कहा जाए तो दोनों तरफ जो ऑपरेशन है वो अभी तक जारी है। दोनों तरफ जो सर्च ऑपरेशन है वो वहां पर जारी किया, और वहीं जो उसके त्राल का इलाका है वहां पर जो कुछ लोग हैं वो सड़कों पर निकल कर आए हैं और वहां पर इस ऑपरेशन में बाधा डालने की जो कोशिशें हैं वो वहां पर की गई है। जी जी राजेंद्र, लेकिन एक बात और हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या ये अभी भी ऑपरेशन चल रहा है? कि बिल्कुल अभी तक अभी भी वहां पर जो दोनों तरफ से कहा जाए तो फिलहाल जो जो फायरिंग है वो फिलहाल वहां पर रुकी हुई है, परंतु पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो वहां पर जारी है। और वहीं जो त्राल का इलाका है वहां पर जो जहां पर एक आतंकवादी को मार गिराने की जो सफलता जो है सुरक्षा बलों को मिली है, परंतु वहां पर जो जो लोग हैं वो सड़कों के ऊपर निकल कर आए हैं और वहां पर सुरक्षा बलों के साथ वहां पर जो ऑपरेशन में बाधा बनने की जो कोशिशें हैं वो वहां पर की गई हैं। राजेंद्र, लगातार जो आतंकवादी हैं उनका एनकाउंटर हो रहा है, चुन चुन के आतंकवादी जो हैं वो मारे जा रहे हैं, एक तरह से आतंक की कमर टूटती नजर आ रही है ऑपरेशन ऑल आउट में। बिल्कुल साफ तौर पर है, जिस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट को वहां पर शुरू किया गया तो उसके बाद से जो आतंकवादियों की जो कमर है वो बिल्कुल बुरी तरीके से वहां पर टूटी हुई, और हताशा में वो वहां पर जो कुछ नहीं जहां पर जो हरकतें कर रहे हैं बिल्कुल काफी ज्यादा जो है वो हताश जो है वो वहां पर हो चुके हैं। 2018 की अगर बात की जाए तो 230 जो आतंकी हैं, नामी आतंकी जो हैं वो वहां पर मारे गिराए गए हैं, और वहीं पिछले 72 घंटों की अगर बात की जाए तो अभी तक तकरीबन 20 के करीब जो है 72 घंटों में 20 आतंकवादी को मार गिराया गया है। इससे बड़ी साफ तौर पर है कि ऑपरेशन ऑल आउट के चलते एक एक को आतंकी को वहां पर चुन चुन के वहां पर मार गिराया जा रहा है, और लगातार वहां जो सुरक्षा बलों को कामयाबी जहां पर मिल रही है। जी शुक्रिया राजेंद्र जानकारी के लिए। राजेंद्र दुबे हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। मुठभेड़ का एक्सक्लूसिव वीडियो भी आप देख रहे हैं, एनकाउंटर अभी भी जारी है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो